जिंदगी से प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़े प्राइस और बड़े सेक्रीफाइस। किसी को नहीं जानना है कि कितनी सैड है तेरी लाइफ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चलते हैं मेरे भाई। अब तो ठान लिया है, समय मुझे कर दे कितना भी लाचार, इस बिजनेस रेस की लड़ाई में तो नहीं डालूंगा मैं अपने हथियार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित रहुजा, बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर, एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेगा व्यापार। मैं हमेशा बात करता हूं B2B व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने के तरीकों की, कि किस तरीके से हम होलसेल व्यापार को ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। उसी में से एक तरीका है बेस्ट B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस। लाइक पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लाइक अपने B2B बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लाइक आप वेबसाइट बना सकते हो, SEO कर सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, एंड द बेस्ट वन इज ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस। आज मैं बात करूंगा कि ये B2B मार्केट प्लेस क्या है। वैसे मैं इसकी चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ, और बेस्ट B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है। लाइक आपने सुना होगा आज के टाइम मार्केट में लाइक इंडिया मार्ट बहुत ट्रेंड कर रही है मार्केट में, बहुत ऊंचा ग्राफ इसका जा रहा है, लाइक ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, जस्ट डायल, नाम तो सुना है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म में से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट ले सकें और कम टाइम में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको ये क्लियर होने वाला है कि सबसे बढ़िया ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म कौन सा है। पहले समझते हैं इसको कि B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है। लाइक इट्स लाइक सदर बाजार, होलसेल का एक दिल्ली का मार्केट है जहाँ पे होलसेल का परचेजिंग करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग अपनी शॉप्स ओपन करके बैठे हुए हैं वो सारे मैन्युफैक्चरर हैं या फिर होलसेलर हैं। तो एक ऑफलाइन वो होलसेल की मार्केट है, इसी तरीके से ऑनलाइन की होलसेल की मार्केट है जिसका नाम है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया। सारे प्लेटफॉर्म गुड हैं, आप अपने आप को प्रमोट करो यहाँ पे, क्योंकि आप ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, नंबर वन। सेकंड, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, लाइक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा लोग किस मार्केट के अंदर है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज स्क्रीन पे बने रहना। द नंबर वन, मैं अभी नहीं कंपनीज का कंपैरिजन करने वाला हूँ, ये कंपैरिजन मैं किसी अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन मैं डेटाबेस पे कर रहा हूँ। लाइक डेटाबेस याद रखना, क्योंकि ये मैंने कलेक्ट किया है डेटा हमारी टीम ने, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी, मेल्स भी आ रही थी कि सर हम अपने आप को कहाँ रजिस्टर करें, सर इंडिया मार्ट वाले कहते हैं हम बढ़िया हैं, ट्रेड इंडिया वाले कहते हैं हम बढ़िया हैं, एक्सपोर्टर इंडिया एक निकल के आई है कंपनी, वो भी कह रही है हम बहुत बेस्ट हैं, तो इन सब में से अच्छा कौन सा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो दोस्तों स्क्रीन पे बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि डेटा के हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो नंबर वन इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया एंड एक्सपोर्टर इंडिया, इन तीनों की मैं आज बात करने वाला हूँ B2B मार्केटिंग, B2B बिजनेस के हिसाब से कौन आपको ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है एज ए मार्केटिंग, एज ए प्रमोशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन तीनों कंपनी के ग्लोबल रैंक का, वर्ल्ड में इनका क्या रैंक है। तो उसमें इंडिया मार्ट का जो रैंक है वो है 1072, स्क्रीन पे देखना 1072, जो कि एक बहुत ही अच्छा रैंक माना जाएगा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद बात करता हूं ट्रेड इंडिया की, देन ट्रेड इंडिया का रैंक है 14,741, जो कि इंडिया मार्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहां पे इंडिया मार्ट जीत रही है ट्रेड इंडिया के मुकाबले में। एक्सपोर्टर इंडिया की बात करूं ना ही करूं, 27,420, तो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर इंडिया 27,420 नंबर पे स्टैंड करती है। यहां पे इंडिया मार्ट इन सबसे बहुत आगे, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो अभी मैं बात करूंगा इंडिया रैंक, इंडिया में इन कंपनीज की क्या पोजीशन है, कहां पे स्टैंड करती है। इंडिया मार्ट का रैंक है गाइस 94, बेस्ट है, एंड ट्रेड इंडिया का रैंक है 1188, जो कि इंडिया मार्ट के मुकाबले में फिर से ज्यादा है, और एक्सपोर्टर इंडिया की मत करो बात, 2231 के अराउंड है। तो यहां पे भी इंडिया मार्ट इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत आगे चल रही है, बहुत आगे। लाइक एक क्लास में स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट वाले के नंबर है 94, सेकंड वाले के हैं 42, सेकंड तो रहेगा लेकिन मार्केट में सेकंड है, लेकिन कंपैरिजन करने में इंडिया मार्ट का इन दोनों कंपनी से कोई कंपैरिजन अभी तक तो नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि 96,
तीनों कंपनीज लगभग सेम ईयर के अंदर ही मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन समय से कुछ नहीं होता, आपका ये देखा जाता है कि आपने कितने टाइम में कितना ग्रो किया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं तीनों कंपनीज की रजिस्टर्ड यूजर्स की, लाइक कितने लोगों ने अपने आप को इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे, अदर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का इंडिया मार्ट के पास में एड्रेस है, फोन है, मोबाइल है, वेरीफाइड यूजर्स है। ये बहुत अच्छा डेटा है एज ए B2B के हिसाब से, 4 करोड़। एंड देन ट्रेड इंडिया के पास जो रजिस्टर्ड यूजर है इन्हीं की वेबसाइट से जो मैंने लिया है वो है 1 करोड़। एक्सपोर्टर इंडिया का ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन यस 1 करोड़ से नीचे ही होगा इनका रजिस्टर्ड यूजर। तो यहां पर भी इंडिया मार्ट इन सबसे बहुत आगे। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इन कंपनीज के साथ में जुड़ना चाहते हो लाइक प्रमोशन एज ए मार्केटिंग, तो इंडिया मार्ट ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको मंथली प्लान्स ऑफर करती है। लाइक आप हर महीने के महीने इंडिया मार्ट को पैसा दो, प्रमोशन के लिए इन्वेस्ट करो और इंडिया मार्ट बदले में आपको प्रमोशन देगी। अगर आपको इंडिया मार्ट अच्छा नहीं लगता देन आप मंथली प्लान है, आप इसको बंद भी करवा सकते हो, लेकिन ट्रेड इंडिया एंड एक्सपोर्टर इंडिया पे आपका मंथली प्लान नहीं है, यहाँ पे आपको मिनिमम 1 ईयर का चार्ज पे करना मैंडेट है। नेक्स्ट मेरा है ट्रैफिक, कि मंथली बेसिस पे इन कंपनीज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग इन पे विजिट कर रहे हैं इनकी ऐप के या फिर इनके लैपटॉप पे या फिर गूगल के थ्रू। तो इंडिया मार्ट का टोटल डेटा है गाइस 70.3 मिलियन, लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग यहां पे पर मंथ विजिट करते हैं। एंड देन ट्रेड इंडिया वहीं 6.5 मिलियन ओनली, लाइक 65 लाख। कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस इंडिया मार्ट। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल डेटा नहीं है, ये मैंने कलेक्ट किया है बहुत सारी वेबसाइट से, बहुत सारी कंपनी से और ज्यादातर इन्हीं की ही वेबसाइट से। तो 6.5 मिलियन ट्रेड इंडिया का, एक्सपोर्टर इंडिया का 2.6 मिलियन। यहां पे इंडिया मार्ट का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं गाइस शेयर मार्केट की, आईपीओ में। तो इंडिया मार्ट शेयर मार्केट में भी है, इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया हुआ है जिसका शेयर प्राइस 3050 के राउंड अभी करंट टाइम में चल रहा है। और ट्रेड इंडिया एंड एक्सपोर्टर इंडिया शेयर मार्केट में कतई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हटा दो इन्हें, हटा देते हैं। इंप्लॉइज भी इंडिया मार्ट के इन सबसे 5 गुना ज्यादा है, ऑफिस भी इंडिया मार्ट के इन लोगों से बहुत ज्यादा है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अगर ऐप यूजर, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई लैपटॉप यूज नहीं करता, मैं मानता हूं लैपटॉप यूज नहीं करता, बट फोन पे सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऐप। प्ले स्टोर से आप तीनों ऐप, इन तीनों कंपनीज की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें नंबर 1 पे आती है इंडिया मार्ट, जिसके 1 करोड़ से ज्यादा ऐप यूजर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, एंड 4.7 की रेटिंग है। स्क्रीन पे देखो 4.7 की रेटिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है। सेकंड नंबर पे ट्रेड इंडिया, सिर्फ 10 लाख लोग ट्रेड इंडिया को यूज करते हैं, जो कि बहुत कम है यार, कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड 4.1 की रेटिंग, ठीक है रेटिंग ठीक है, लेकिन यूजर्स बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। एंड थर्ड पे एक्सपोर्टर इंडिया, 1 लाख लोग इसको यूज करते हैं और 3.3 की रेटिंग है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लेना कि 3.3 मतलब कि क्या बिजनेस दे रही है यार ये। तो गाइस इन सब चीजों को जब हम देखते हैं और मार्केट में जब रिसर्च करते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहे हैं कि इंडिया मार्ट इज द बेस्ट ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, होलसेल व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो आंख बंद करके आप इंडिया मार्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ट्रेड इंडिया बिल्कुल बेकार है, एक्सपोर्टर इंडिया बेकार है, ये भी अच्छे प्लेटफॉर्म है और यहां से भी लोगों को बिजनेस मिल रहा है। बट जब कंपैरिजन की बात आती है कि बेस्ट कौन सा है, तो उसमें मैं आपको सजेशन दूंगा गाइज एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए बिजनेस एडवाइजर, एज ए मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद आप इंडिया मार्ट को ज्वाइन करो, इंडिया मार्ट से बिजनेस निकालो। यही आखिरी में कहूंगा कि इंडिया मार्ट इज द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।
थैंक यू वेरी मच, बने रहना मेगा व्यापार के साथ में।